हेलो गाइस, आज ये न्यूज़पेपर में आया है कि सीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग। सीटी के ऊपर कोर्ट केस हो गया है। मैंने कुछ नहीं कहा भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ इस केस में मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम 2012 में कर चुके हैं और फेल हो चुकी हैं। फाइन, सो ये लोग क्या बोल रहा है कि सीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग, कोर्ट केस हुआ है। स्टूडेंट हैव रीच द कोर्ट एंड दे हैव डिमांडेड कि सीटी एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए बिकॉज ऑफ ऑल द एबनॉर्मेलिटीज एंड रीटेक किया जाए। ठीक है, दिस इज़ द मांग जो की गई है। मैं जो बोल रहा था, जो हमारे जो बच्चे करे थे, जो मेरे साथ वेयर आई वॉज इन्वॉल्व, कि भाई हमें बस अपना ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें अपना अपना स्कोर और अपना स्लॉट नंबर दे दो, जिनमें से 80% डेटा सी ई टी सेल हैव रिलीज्ड। ठीक है, सो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट तक पहुँच गए हैं कि सी ई टी को रद्द करने की मांग। इसको मैंने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया सो दैट वी कैन ऑल अंडरस्टैंड ईजिली। फाइन, स्टूडेंट हैव फाइल्ड द पिटिशन इन बॉम्बे हाई कोर्ट डिमांडिंग द कैंसिलेशन ऑफ द सी ई टी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई सी ई टी सेल इन द ईयर 2023 फॉर द एडमिशन फॉर द फर्स्ट ईयर एम बी ए प्रोग्राम एंड एम एम एस कोर्सेज। सो अपनी बात करें, इंजीनियरिंग सी ई टी किसी और की बात नहीं कर रहे। द पिटिशन फाइल ऑन द बिहाफ ऑफ सेवरल स्टूडेंट हैव डिमांडेड द सी ई टी सेल टू बी डायरेक्टेड टू कनेक्ट द एग्जाम अफ्रेश। भाई अभी जुलाई आ गया है, जुलाई में एग्जाम कनेक्ट होना मतलब और 15-20 दिन का डेट, उसके बाद और इतना रिजल्ट। और देखो अभी देखो, ये अगर ये केस जीत गया, सपोज द पिटिशन क्लेम दैट देयर वाज एनोमेलिटी इन द रिजल्ट, एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड, एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्टेड वेरी इनफॉर्मल वे, द पिटिशन कैन बी हर्ड सून। ठीक है, अगर ये जीत गए पिटिशन, तो जिसका स्कोर कम होगा वो दोबारा केस करेगा कि भाई मैं तो एडमिशन हो चुका था, मेरा एडमिशन होने वाला, मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड अगेन, दिस इज नॉट रिलेटेड टू जो सी ई टी में अभी प्रोसेस डिले हो रहा है, इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस केस। ये केस तो अभी फाइल हुआ है, इसको रिलेटेड नहीं है, वो उनके अलग टेक्निकल इशू चालू है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसको लेके कुछ नहीं होने वाला, नथिंग मतलब नथिंग इज़ गोना हैपन ऑन दिस केस। दोबारा एग्ज़ाम करवाने का इरादा इज़ ऑफ स्टूपिडिटी। ठीक है, बट नेवर नो, लेट्स सी अभी क्या होता है इसके ऊपर लेके। तो दिस इज़ अ न्यूज़ एज ऑफ नाउ कि सी ई टी सेल पर फाइनली एक केस हो गया है रिफ्रेश करने का, जो 2012 से लोग ट्राई मार रहे हैं, आज तक कभी हुआ नहीं है केस। लेट्स वेट एंड वॉच, होपफुली लेट्स सी क्या होता है इसके ऊपर, हमें पता लगेगा, हमें भी देखते हैं। ऑल द बेस्ट।